हेलो माय फ्रेंड्स, कसा काय, मैं हूं आपका रफ़ी सर। और आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं उसको कैसे याद रखेंगे, वो किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं उसको कैसे याद रखेंगे, और उस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसको कैसे याद रखेंगे, डैट मीन्स तीनों को कैसे याद रखेंगे, उसको मैंने एक अपने बहुत ही सिंपल ट्रिक से कनेक्ट किया है। और ये ट्रिक बनाने में मुझे काफ़ी टाइम भी लगा क्योंकि तीनों को एक ही में कनेक्ट करना था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिक के रिड्यूसिंग एजेंट में। पहला ट्रिक है ट्रिक नंबर वन, और डैट इज़ फॉर रेड फॉस्फोरस एंड HI। ये इसको मैं डॉन रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए रेड फास्फोरस और HI वाले रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखेंगे, इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसको कैसे याद रखेंगे, और किस किस फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है उसको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैंने एक सिंपल सा अपना ट्रिक लगाया है कि देखो HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो उससे मैंने बनाया हाई हेलो जो करते हैं, तो हाई वर्ड बनाया हाई। तुम मुझे खून दो, खून से मैंने क्यों कनेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर रेड फास्फोरस यूज करना होता है। आपको एरो पे लिखा होगा किस टाइप से, आपको लिख देगा रेड PHI, इतना लिख देगा, तो ये देखते ही आपको याद आ जाएगा कि HI मतलब हाई और रेड मतलब तुम मुझे खून दो, ब्लड रेड कलर का होता है, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक अपना स्लोगन भी था, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी का क्या मतलब है यहाँ पे कि आज़ाद हो गया, डैट मीन्स सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, डैट मीन्स आपको एल्केन बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, एल्केन। रिएजेंट क्या रहेगा, रेड फास्फोरस एंड HI, और रिएक्टेंट क्या रहेंगे आपके, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें हो सकते हैं। नाउ इसको ही ऐसे भी हमने कनेक्ट किया है, ये भी मेरा एक स्लोगन है कि हाई हाई बोल करके आपको बोलना है हाई, जो हमसे टकराएगा, क्योंकि रेड फास्फोरस यू नो रॉक में मिलते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वो कठोर होता है, उससे हमने बनाया कि हाई मतलब HI, जो हमसे टकराएगा, रॉक से जो भी टकराएगा सिंगल होके जाएगा। सिंगल मीन्स व्हाट, यू नो एल्केन में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए उसी से मैंने कनेक्ट किया कि जो हाई जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा। नाउ करना क्या है, ये तो हमारे स्लोगन हो गए जिससे आप इजीली याद रख सकते हो, आइदर हाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर हाई जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा, एक दो बार आप बोलोगे, ये बहुत ही फनी स्लोगन भी है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि करना क्या है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जो कि कार्बन से बनोगे, विथ कार्बन, ध्यान देंगे विथ कार्बन, कार्बन से जो भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बने होंगे उसको रिप्लेस कर देना है बाय इक्वल हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कहीं पे कार्बन के साथ OH है, तो आप कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको भी H देना है और इसको भी H देना और ब्रेक कर देना है, तो इधर इसको H मिल जाएगा और उसको भी H मिल जाएगा, ऐसा हमें करना है। तो ये मेरे ट्रिक का पॉइंट है। अब मैं इसके एप्लीकेशन की बात करता हूँ। नाउ अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। तो रेड फॉस्फोरस और HI से आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा जो कि एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल ट्रिक दे रहा हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड हो गए, ध्यान रहे कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसको डिफरेंट नहीं मानना है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट अटैच होंगे वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो इधर एक H रखना है और एक H इधर रखना और ब्रेक कर देना है, तो आपको क्या मिल गया मेजर प्रोडक्ट में CH3। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन था और एक और आ गया, तो क्या हो गया CH3। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। दूसरा वाटर बना, बाय प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, उसको भी मैं बाद में बताता हूँ। अगर मैं इस केस में देखूँ तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव ये वाले हैं और ये वाले दो है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक H इसको एक H इसको, फिर इस बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक H इसको एक H इसको, दोनों को हाइड्रोजन ही देना है। तो आप ध्यान से देखो तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है
CH3, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन और आ गया, तो आपको क्या कर देना, CH3, उधर वो वाटर हो गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे भी दो बॉन्ड हैं, तो इस बॉन्ड के लिए H H और इस बॉन्ड के लिए फिर H एंड H, और ये ब्रेक कर देना है। तो आप ध्यान से देखो आपको क्या मिला, CH3 था पहले से, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ गया है, तो दो हाइड्रोजन कर दिया, और ये कार्बन पे तीन हाइड्रोजन पहले से थे, ये कर दिया। सिमिलरली इस केस में देखें तो ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हैं और ये भी है, यहाँ पे तीन बॉन्ड हैं, तो इस बॉन्ड के लिए H H देना है, इस बॉन्ड के लिए H H देना है, इस बॉन्ड के लिए H H देना है, और ब्रेक कर देना है। ध्यान से देखो क्या मिलेगा, CH3, इस कार्बन के पास अब कितने हो गए हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, तो इसका H, इसका H और इसका H, तो क्या मिल जाएगा, तीन H, तो CH3। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो ये कोई भी हैलोजन है, X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकते हैं, तो इसको भी H देना है, इसको भी H, यहाँ पे ये बॉन्ड के लिए ये H, ये H, फिर इस बॉन्ड के लिए H एंड H, और इसको ब्रेक कर देना है। तो फिर ध्यान से देखो CH3, इस कारण के पास तीन H आ गए, तो CH3। बाकी का जो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना उसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, मेन प्रोडक्ट क्या होगा वो आपका बन करके तैयार है, सिंपल मेरे ट्रिक से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप ध्यान से देखो, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको हैच, इसको हैच, यहाँ पे इस बॉन्ड के लिए हैच हैच और इस बॉन्ड के लिए हैच हैच एंड ब्रेक कर दो, तो आपको फिर से क्या मिलने वाला है, CH3, और इस कार्बन को तीन हाइड्रोजन होंगे, तो CH3। यहाँ पे ये अगेन ये तीनों ब्रेक होंगे और इधर से भी ये तीनों ब्रेक होंगे, तो इसको हैच हैच आपको देना है, इसकी वजह से हैच और हैच आएगा और इसकी वजह से हैच एंड हैच आएंगे, और सेम इस केस में भी होगा, तो आप देख सकते हो दो मॉलिक्यूल आपको CH3 CH3। और ध्यान से देखो तो सम में प्रोडक्ट क्या आपका, एल्केन, इसलिए मैंने दो वर्ड यूज किया था, आज़ादी, आज़ादी क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या है, पॉसिबल है, इजीली मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है, और जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा, सिंगल का क्या मतलब था, वही कि सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें, डैट मीन्स आपको एल्केन बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो तीन बॉन्ड है, तो तीन बार हैच हैच करना पड़ेगा आपको, तो आप ध्यान से देख सकते हो क्या मिल जाएगा, CH3 CH3। दूसरा बाय प्रोडक्ट NH3 होता, उसके बारे में नहीं सोचना, यहाँ पे ये और ये, तो इसको भी हैच देना है और इसको भी हैच, या इधर से करेंगे तो इसको हैच एंड इसको हैच, तो आपको दो मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा, CH4। इस केस में इसको भी हैच, इसको भी हैच, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH3। तो आप ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसमें, कि जितना भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड है तो हैच हैच, दो हैं तो दो बार हैच हैच, तीन होंगे तो तीन, उसको दे करके ब्रेक कर दो, आपका मेजर प्रोडक्ट, और डैट विल बी ऑलवेज योर प्रोडक्ट विल बी एल्केन। कुछ एग्जांपल और मैंने लिए हैं, इस टाइप के भी आपको दे सकता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, तो अगर आप ध्यान से देखो, रेड फॉस्फोरस एच आई, तो हाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या हाई जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा। तो आपको अभी बताया कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बना हुआ है, दो डिफरेंट है, तो इसको हैच, इसको हैच, ये एक और बॉन्ड है तो हैच एंड हैच, और ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। सिमिलरली ये कार्बन से ये हैच एंड हैच, ये हैच एंड हैच, यहाँ पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैच एंड हैच, और ये सबको ब्रेक कर देना है। यहाँ पे भी कार्बन से डिफरेंट है, तो इसको हैच एंड इसको हैच, इसको ब्रेक कर देना। तो देखो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार है, आपके पास ये 6 कार्बन की रिंग थी, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, दो हाइड्रोजन, तो जो कि हम दिखाते नहीं, आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हो ऐसे, दो हाइड्रोजन, इधर में भी ये हाइड्रोजन ही इसके पास बच गया, ओके, इधर में ये कार्बन है और इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, ये आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। यू नो बाय द वे, यहाँ पे भी ऑलरेडी पहले से दो दो हाइड्रोजन थे और एक पहले से था यहाँ पे, तो ये सब दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हम जनरली दिखाते नहीं हैं, तो ये प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाओगे तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हैच एंड हैच आएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हैच एंड हैच आएंगे, यहाँ पे दो होगा तो हैच हैच एंड हैच हैच, यहाँ पे भी दो हैं तो हैच हैच एंड H
HH, यहाँ पे इसको ओपन करके लिखोगे तो एक्चुअली में ये कैसा होगा, सी डबल बॉन्ड OH, तो ये ब्रेक करना और ये ब्रेक करना है, तीन, तो तीन हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन आएंगे, तो डायरेक्ट योर प्रोडक्ट विल बी अगेन सिक्स कार्बन से बना हुआ एक रिंग हो गया आपका। और यहाँ पे H H H H ही हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कार्बन कार्बन है, तो इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी तीन हाइड्रोजन है, बाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे पूछा जाए तो फिर से वही चीज़ ध्यान देना है कि ये ब्रेक होगा तो H H H और H, ये ब्रेक होगा तो अगेन H H, दो बॉन्ड है इसलिए दो बार H दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो तो ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन था ही और दो हाइड्रोजन आ गए हैं, और उसके बाद ये कार्बन, फिर उसके बाद ये कार्बन, इस कार्बन पे ऑलरेडी पहले से दो हाइड्रोजन थे चार बॉन्ड की वजह से, इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन आपके आ गए हैं और ये कार्बन पे पहले से तीन हाइड्रोजन होंगे, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो ये आपका बन करके तैयार हो गया। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, 1 2 3 4 कार्बन की चैन बना देते। नाउ अब जाते जाते मैं ज्ञान की बात करना चाहूँगा, और ये जो ज्ञान की बात है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझें आप कि मैंने CH3CH2OH लिया, HI एंड रेड फॉस्फोरस लिया है। तो जो आपको ट्रिक बताया है कि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इसको H देना है और इसको H देना और ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ध्यान दो, ये दो H आएगा कहाँ से, H आपको मिल कहाँ से रहा है, HI से। और दो H लेने का मतलब मुझे इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, दो। तो इससे क्या बन गया प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, CH3 और ये C, इस पे दो हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH3। उसके बाद बाई प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो हमें क्या मिल गया, वाटर H2O। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो दो हाइड्रोजन तो यूज कर लिए, दो आयोडीन का क्या हो गया होगा, I2। तो ये पूरा एक आपको फुल रिएक्शन मैंने दिखाया कि आपको कैसे करना है। जनरली एग्जाम में प्रोडक्ट क्या होता है यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने पहले उसको समझाया है। और अगर सारे प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको आइडिया लगाना हो तो इस तरीके से बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसका क्या काम है। तो ये रेड फॉस्फोरस जो आपका है, रेड फॉस्फोरस, वो आपका ये जो आयोडीन बना है इससे रिएक्ट कर जाता है और इट विल गिव यू Pi3, ये बना लेगा। और हो सकता है तो वो Pi5 भी बना ले, बट जनरली Pi3 बनाएगा। नाउ ये जो वाटर आपका बना, ये फिर इससे रिएक्ट कर जाएगा, और ये हमने आपको हाइड्रोलिसिस में ट्रिक दे रखा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन किसको मिलेगा, आयोडीन को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और OH किसको मिलेगा, फॉस्फोरस को। तो आपका बन जाएगा H3PO3 और HI आपको फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट से फिर से HI बन जा रहा है। रिएक्टेंट में अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में। तो इसीलिए ये रेड फॉस्फोरस का काम क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन में I2 बन रहा है आपका, उसको पहले तो वो कंज्यूम कर रहा है, इस वजह से भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इस I2 से रिएक्ट करके Pi3 बनाया, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसको भी कम कर रहा है, फिर से रिएक्शन फॉरवर्ड में चले जाती है, और इस वाटर से फिर से HI प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि वन ऑफ द रिएक्टेंट है आपका या एजेंट है आपका। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो फिर से रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में। इसीलिए इसको मैं डॉन रिएजेंट बोलता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड में ले जाता है। तो ये आपको इस ज्ञान की बात में ये समझ में आया कि रेड फॉस्फोरस का क्या यूज है, रिएक्शन कैसे होती है और कैसे ट्रिक से करना है। नाउ ज्ञान की बात नंबर टू में कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कितने मोल्स HI रिक्वायर्ड होंगे, तो ये भी मेरे ट्रिक से इजीली हो जाएगा। अभी आपने देखा, ये भी मेरे ट्रिक से इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसको मुझे ब्रेक करना हो तो इसको H और इसको H, तो ये सिंगल COH बॉन्ड को हटाने के लिए मुझे दो मोल्स HI के यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक HI से, यू नो, वन HI से आपको एक ही हाइड्रोजन मिलने वाला है। तो अगर मैं दो HI लूँ तो मुझे दो हाइड्रोजन मिलेंगे नेसेंट, तो इसलिए इसको भी H देना, इसको भी H। तो यहाँ पे दो मोल्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रेक करने के लिए HH एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए HH, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ब्रेक करने के लिए HH दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए HH और HH।
तो आप देख सकते हो दो हाइड्रोजन के लिए हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए होगा, तो टोटल यहाँ पे 2 + 2 + 2 टोटल 6 HI रिक्वायर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 4 HI रिक्वायर्ड हो जाएंगे और यहाँ पे 2, तो योर आंसर विल बी हाउ मच 12। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ कि अगर आपको सिंगल OH को ब्रेक करना है सिंगल बॉन्ड को, तो दो आपको HI रिक्वायर्ड होंगे। सी डबल बॉन्ड O को ब्रेक करना है तो आपको 4 रिक्वायर्ड होंगे, और रटना नहीं है समझते हुए, एक है तो दो, दो हैं तो 4, यहाँ पे टोटल 3 थे तो 6, इस टाइप का कोई भी होगा, सी डबल बॉन्ड हो, OH हो जाए, हैलोजन हो जाए, NH2 हो जाए, कोई भी हो जाए, तो इन सब में आपको 6 रिक्वायर्ड होंगे, जो कि सिंपल मेरे ट्रिक से हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, डैट इज क्रिमेंसन रिडक्शन।